हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है एक और सेट लेके आए हैं क्वेश्चन का, जिसके अंदर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले पंजाब के पेपरों के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे। ये जो है पंजाब के लिए काफ़ी स्पेशल सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इसके मैं पहले दो वीडियो पहले भी दे चुका हूँ, पार्ट वन और पार्ट सेकेंड। ये जो है पार्ट थर्ड है। तो अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे एक आई बटन आया होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो पहले आप वो दोनों सीरीज़ देखिएगा और फिर ये देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इसका पूरा बेनिफिट लेना है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को क्वेश्चन देख के पॉज कीजिएगा, फिर उसका खुद से ट्राई कीजिएगा और आप आफ्टर दैट उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर देखिएगा। उससे जो है आपको इसका प्रॉपर जो है फ़ायदा मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड लेक्चर है, ये आपको पीपीएससी आने वाले पीपीएससी एग्जाम के लिए और जो पंजाब के आने वाले और भी एग्जाम है लाइक बटवारी हो गया, पुलिस हो गया या डिस्ट्रिक्ट क्लर्क वगैरह हो गया, तो उन सब में जो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम इसका पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है सुनील जिंदल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, लैंगचैन खम्बब इज़ ए अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ पंजाब। सबसे पहले आपको पता ही है कि पंजाब के अंदर हमारे तीन रिवर हैं, सतलुज, रावी और ब्यास। गग्गर जो है एक सीजनल रिवर है, बारिश वगैरह ज़्यादा होगी तो उसमें पानी आएगा, अदरवाइज ये जो है खाली रहेगी, सूखी रहेगी। तो जो ये नाम है ये पड़ेगा रिवर सतलुज का नाम। और इसको याद कैसे रख सकते हैं, इन तीन रिवर के अंदर ना सिर्फ एक ही रिवर इसका नाम बड़ा है इन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। ये रावी ब्यास छोटा नाम है और असल तो जो है बड़ा नाम है, और ये भी जो है लैंगचैन खम्बाब जो है काफ़ी बड़ा नाम है। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ मेंशन किया होगा कि पंजाब की कौन सी रिवर का नाम जो है ये है। तो ये सबसे बड़ा नाम जो है सतलुज का ही है। उसके बाद है, विच रिवर ऑफ पंजाब कॉन्स्टिट्यूएंट द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, यानी कि वो कौन सी नदी है जो पंजाब के अंदर है। पहले बेसिकली वही बात, तीनों नदी हैं, तो सबसे जो एरिया सबसे ज़्यादा घेरती है नदी, जो घेरती है नदी, तो उसका नाम क्या है वो जो पूछा हुआ है। तो ये भी जो है सतलुज ही घेरती है, याद रखने का तरीका वही, बड़ा नाम है तो बड़ा एरिया घेरेगी, काम बड़ा है तो नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा करेगी। अगर आपको मैप के थ्रू देखना चाहते हैं तो मैं आपको मैप के थ्रू भी इसको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, अगर मैं आपको मैप के थ्रू इसको दिखाता हूँ तो सतलुज नदी जो है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से होती हुई यहाँ पे तरन तारण के अंदर हरी के पतन बनाती है, यहाँ पे इसको ब्यास नदी आकर जो है टच करती है, ठीक है। ये ब्यास नदी आ रही है, ये सतलुज नदी है, और यहाँ से मिलके उसके बाद भी ये जो है सतलुज नदी ही बनती है। तो पंजाब का जो मैक्सिमम एरिया कैच करती है ये सतलुज रिवर ही कैच करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा, सतलुज रिवर। और हाँ, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इंस्टाग्राम के मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, सो दैट कि आपको वहाँ से भी फ़ायदा, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको मिल सके। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैन मेड वेटलैंड ऑफ पंजाब। पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि टोटल वेटलैंड कितने हैं पंजाब के अंदर, तो टोटल वेटलैंड है 21, जिसके अंदर 12 जो है वो है नेचुरल है और 9 जो हैं वो मैन मेड हैं, ठीक है। जैसे इनको इंटरनेशनल दर्जा मिला हुआ, जैसे कि कांजली हो गया, हरी के वेटलैंड हो गया, रोपड़ वाला वेटलैंड हो गया, ये सब जो है मैन मेड हैं, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा हुआ है कि मैन मेड कौन सा है, तो मैन मेड है डोल बाहा। आपको ना 21 के 21 नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ना 9 नाम याद रखने हैं, वो भी कौन से, जो मैन मेड है, क्योंकि जो मैन मेड होंगे वो आपको याद हो जाएंगे तो वो बाकी जो और वेटलैंड के नाम देगा तो वो अलग ऑब्वियस ही बात है कि वो नेचुरल वेटलैंड होंगे। तो 9 के नाम आप याद रख सकते हैं, और 9 की लिस्ट में जो है अगली वीडियो के अंदर या फिर इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा, सो दैट कि आप उसका कुछ भी ट्रिक बना के आप लोग उसको याद कर सकें। और जो ये बाकी रह गए हैं, जस्तरवाल, कानूवाल चैम्ब वेटलैंड और केशवपुर वेटलैंड, ये जो हैं सब नेचुरल वेटलैंड हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव सोइल ऑफ पंजाब। तो जो सबसे फर्टाइल और प्रोडक्टिव सोइल है पंजाब के अंदर वो है लोमी सोइल। इसके अंदर क्या है, ये वीट एंड पैडी की खेती के लिए ना काफ़ी अच्छी है, और ये पंजाब के आलमोस्ट सारे रीजन के अंदर जो है पाई जाती है। ये मालवे के अंदर भी पाई जाती है, मालवे के अंदर बेसिकली ज़्यादा पाई जाती है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, लोमी सोइल होगा। उसके बाद है, आफ्टर ग्रीक्स पंजाब वॉज ऑक्यूपाइड बाय, यानी कि ग्रीक्स के जाने के बाद, क्योंकि अपने पता है ग्रीक्स ने जो पंजाब को नाम दिया था वो दिया था पेंटा पोटामिया, यानी कि लैंड ऑफ फाइव रिवर, ठीक है। उसके बाद जो है जब ग्रीक्स गए पंजाब को छोड़ के, तो उसके बाद पंजाब के ऊपर किसने कब्जा किया है, कौन आया पंजाब के अंदर, तो वो आए शक जाति के लोग हैं, शक डायनेस्टी ने जो था रूल किया था, ठीक है। उसके बाद है, द चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सांग, ये टी साइलेंट है,
हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धना टॉक्ड हाईली ऑफ विच एरिया ऑफ पंजाब, यानी कि जो ह्यून सैंग था वो एक चाइनीज ट्रैवलर था। बेसिकली इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन जो है ना कवर हो रहे हैं। पहली बात, ह्यू सैंग किस देश से बिलोंग करता था, चाइनीज से बिलोंग करता था, चाइना से। उसके बाद किसके समय पर वो भारत आया, हर्षवर्धन, इसको याद करना भी आसान है। ह्यू सैंग में नाम में एच आता है, हर्षवर्धन के नाम में भी स्टार्टिंग में एच आता है। दो क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद अगर हम इसको पंजाब से रिलेट करें ना, तो पंजाब के किस एरिया के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है ह्यून सैंग ने, तो ये की है सरहंद के बारे में। ठीक है, तीन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तीनों के तीन मैंने आपको बता दिए हैं इसके अंदर। पहला क्या कि कहाँ से आया था, किसके समय में आया था, अगर पंजाब के बारे में बात की तो कौन से एरिया के बारे में बात की, तो वो की सरहंद के बारे में। उसके बाद है, खडूर साहिब वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु। सबसे पहले तो ना आपको 10 के 10 गुरुओं की जो सीक्वेंस है वो याद होना जरूरी है। ठीक है, उसी से क्या है आपको डेट वाइज भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, और हो सकता है कि आप ट्रिक वगैरह भी बना सकें कि पहले पे कौन है दूसरे पे कौन है। तो जो इसका आंसर है, खडूर साहिब किया था, वो किया था फाउंड गुरु अंगद देव जी ने। तो आपको पता है कि गुरु अंगद देव जी तो सेकेंड गुरु थे गुरु सिखों के। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जो वर्ड खडूर है ना उसके अंदर दूर आ रहा है, दूर दूर मतलब दूसरा, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। वैसे के लिए दूर का मतलब दूसरा नहीं होता है, लेकिन दूर से हम लोग दूसरा वर्ड जो है अज्यूम कर रहे हैं, और दूसरे वर्ड से जो दूसरे सिखों के गुरु थे वो थे गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी। तो इसको आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। उसके बाद है, मंजी प्रथा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरु नानक देव जी वो स्टार्टेड बाय वूम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मंजी प्रथा का जो मैसेज गुरु नानक देव जी का था वो किसने फैलाया, तो वो स्टार्ट किया था अमरदास जी ने, अमरदास जी। ठीक है, और अमरदास जी थे वो तीसरे गुरु थे। ठीक है, और मंजी से आप लोग अगर इसको रिलेट भी करना चाहें तो ये होगा इसका मंजी, थ्री वर्ड का है ये, और थर्ड ही गुरु ने स्टार्ट किया था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, गुरु अमरदास जी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ट्रिक जो है समझ आ रही होगी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को ना रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए आपके दिमाग में सेव रहेगा, हो सकता है कि वो आपको भूले ही मत। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ को ना रिलेट करके पढ़िएगा। जैसे कि एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं 49th पैरेलल लाइन। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा 49th बोलते हैं तो शायद 2-3 दिन तक याद रहे, लेकिन अगर मैं इसको ट्रिक के रिलेटिव करके, यानी कि ट्रिक से रिलेट करके पढ़ता हूँ ना, तो हम लोग इसको ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यूएसए का पहला वर्ड क्या है, यू है, कैनेडा का पहला वर्ड क्या है, सी है, बिल्कुल है, यू से यूएसए, सी से कैनेडा। और अगर मैं इस पर पैरेलल लाइन बना दूँ, इसको पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, एक लाइन मैं यहाँ लगा दूँ, एक लाइन मैं यहाँ लगा दूँ, क्या बन गया ये 49। तो क्या है, 49 जो है पैरेलल लाइन है यूएसए और कैनेडा के बीच में। तो इस तरह से ना चीज़ें आप रिलेट करके ना पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी टाइम के लिए आपके दिमाग में सेव रह सकती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लामा वाज सोलमनाइजेशन ऑफ सिख मैरिज वॉज कम्पोज्ड बाय, यानी कि लामा जो थी वो किसने कम्पोज की थी, यानी कि लामा आपको पता ही है कि जो सिख मैरिज होती है तो गुरुद्वारे के अंदर लामा ही लेते हैं वो, जैसे हिंदू ट्रेडिशन में उसको फेरे बोलते हैं। तो ये स्टार्ट किया था चौथे गुरु ने, जिनका नाम था गुरु रामदास जी। ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद है पोथी साहिब, यानी कि जिसको आदि ग्रंथ भी बोलते हैं, तो ये किसने कंपोज किया था, तो ये कंपोज किया था गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि 5th गुरु थे सिखों के। ठीक है, इन्हीं के बाद जो है लड़ाई वाला ट्रेडिशन जो है शुरू हो गया था, क्योंकि इस समय पर जो है हुमायूं भी था, मुगल बादशाह था, तो काफ़ी जो है अत्याचार जो सिखों पे होने स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि स्टार्टिंग फेज चल पड़ा था। उसके बाद जो है अत्याचार बढ़ते गए, फिर आपको पता ही है जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। उसके बाद है, हु इज़ द फॉलोइंग इज़ नेम्ड एज बाल पीर, यानी कि बाल पीर किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हर कृष्ण जी को। क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु हर कृष्ण जी को, क्योंकि हर कृष्ण जी जो थे वो थे 8वें गुरु थे। ठीक है, तो इन्होंने जो था 5 साल की उम्र में ही ना जो थी गुरुगद्दी संभाल ली थी, और ये यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटे बेटे थे किसके, गुरु हर राय जी के, जो कि 7वें गुरु थे सिखों के। हर राय जी के सबसे छोटे बेटे थे, और इन्होंने 5 साल की उम्र में जो थी गद्दी जो है धारण कर ली थी, इसलिए इनको जो है बाल पीर बोला जाता है, बाल पीर। तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु हर कृष्ण जी। उसके बाद है, द बैटल ऑफ नंदोड़ वाज फोर्ट बिटवीन, इनकी बैटल ऑफ नंदोड़ जो हुई थी वो किस किस के बीच हुई थी, तो ये बैटल जो हुई थी ये हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी और आलिफ खान के बीच में। उसके बाद है, ऑफिशियल सील इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वूम, इनके जो ऑफिशियल सील थी जिनके ऊपर गुरु नानक देव जी का नाम था और गुरु गोविंद सिंह जी का नाम था, वे किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये इंट्रोड्यूस की थी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद
बंदा सिंह बहादुर ने। उसके बाद है नानक शाही कॉइन वाज इश्यूड बाय बूम, यानी कि जो सिक्के थे नानक शाही के तो वो किसने स्टार्ट किए थे, किसने इशू किए थे, तो ये इशू किए थे महाराजा रणजीत सिंह जी ने। द होलोकॉस्ट ऑफ 1762 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो होलोकॉस्ट हुआ था 1762 का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वड्डा कल्लूकारा, और जो छोटा हुआ था वो हुआ था, यानी कि स्मॉल होलोकॉस्ट बोलते हैं इसको 1740 के अंदर, क्योंकि इसकी ट्रिक याद करने की क्या है, 16 साल जोड़ देने और 1762 हो जाएगा, तो बड़ा जो है कल्लूकारा तो हुआ था 62 के अंदर। उसके बाद है पंजाब वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर थ्रू ए प्रोक्लेमेशन मेड बाय, यानी कि पंजाब जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला था, तो उस समय पर प्रोक्लेमेशन किसने किया था, यानी कि उस समय का जो था गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था उस समय का लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस समय पर जो वो था लॉर्ड था, तो वो था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, तो इसने जो था फर्स्ट एंग्लो सिख के टाइम पे था गवर्नर था, और उस समय पर जो था उस फर्स्ट जो एंग्लो इंडियन एंग्लो सिख युद्ध हुआ था उसके बाद जो हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी तब उसके बाद, और वो जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी 1846 के अंदर, किस किस के बीच में, महाराजा दिलीप सिंह एंड लॉर्ड हार्डिंग के बीच में, ठीक है। महाराजा दिलीप सिंह उस समय माइनर थे, छोटे थे, तो उसके बाद जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ तब उसके बाद जो डलहौजी था जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल के बाद जो था पंजाब जो है 1849 के अंदर जो था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो है मिल चुका था, तो उस समय पर जो प्रोक्लेमेशन की थी वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तो पूछते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर इंपॉर्टेंट है, एक है ट्रीटी ऑफ लाहौर। अमृतसर हुई थी 1809 के अंदर और ये हुई थी 1846 के अंदर, और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, वो मिलाया गया 1849 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है ले कॉर्बूजियर, यानी कि जो इन्होंने चंडीगढ़ का आर्किटेक्ट दिया था ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये ना थे फ्रेंच, यानी कि फ्रांस से थे, इनको जो थे ये फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, इन्होंने जो था चंडीगढ़ सिटी का जो था डिज़ाइन दिया था। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंशियंट नेम ऑफ बठिंडा, यानी कि बठिंडा का जो पुराना नाम है एंशियंट नेम है वो क्या था, तो बठिंडा का जो पुराना नाम था वो था विक्रमगढ़, ठीक है। तो इस तरह से जो थे ये 20 क्वेश्चन थे, तो इसको जो आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं, क्योंकि अब कुल मिला के अराउंड अराउंड जो हैं 60 क्वेश्चन हो गए हैं, और अभी एक या दो वीडियो और इसके ऊपर मैं और लेके आऊँगा, सो दैट कि आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो पंजाब के ऊपर हैं आपके कवर हो सके। और मैंने बाकी करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट की है, पहले मंथ वाइज लेके आया था, अब जो है वीकली लेके आऊँगा, यानी कि 2-3 दिन के अंदर जो है पहले वीक के जुलाई के वीक के जो है करंट अफेयर में डाल दूंगा हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और लाइक्स नंबर ऑफ लाइक ज़्यादा बढ़ते हैं तो दिल करता है कि वीडियो जो है जल्द से जल्द डाली जाए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सो दैट के लोग इसका फायदा ले सके। और हाँ, काफ़ी बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर वीडियो का पता नहीं लगता है, तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद ना जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबाने से जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा मोबाइल पे कि नई वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। तो चलिए नई जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत एंड कीप स्टडिंग।